सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाईटेक बिल्डसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू होल्ड एंड रिलीज इनवॉइसेस इन हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। सो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी इनवॉइसेस को होल्ड एंड रिलीज कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको होल्ड एंड रिलीज करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है इनवॉइसेस को और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने काउंटर पर बिलिंग कर रहे हैं किसी कस्टमर के लिए जिन्होंने आपसे ऑलमोस्ट 20-30 प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, आप बिल बना रहे हैं उनके लिए आपके बिल पे ऑलमोस्ट 20-30 प्रोडक्ट्स एडेड हैं और उस बीच आपके कोई सेकंड क्लाइंट एंटर करते हैं जो कहते हैं कि उनकी अर्जेंसी है, आप उनके लिए पहले बिलिंग कर दें, या फिर ये सिनारी हो सकता है कि उन्हें एक ही प्रोडक्ट परचेज़ करना है, सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप उनकी बिलिंग पहले कर दीजिए, जो आपका करेंट बिल है आप उसे होल्ड करके आप उनके लिए बिलिंग कर दें। सो इस सिनारी में हम क्या कर सकते हैं, इस सिनारी में हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमने करेंट बिल बना लिया है हम उसे कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो बिल क्रिएट कर लिया, पूरी डिटेल्स फिल कर, उस बिल को कैंसिल करना एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा फिर से उसे क्रिएट करने के लिए। इसके लिए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ये होगा कि हमने जो बिल करेंटली अपना बना कर रखा है हम उसे होल्ड पर रख दें और उसी के लिए सेकंड जो कस्टमर हैं उनके लिए सेकंड बिल क्रिएट कर दें एट द सेम टाइम। आपको ये एक प्रैक्टिकली कर बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली हमारे सॉफ्टवेयर में जाना होगा। सबसे पहले उसके लिए आप सबसे पहले चले जाइए सॉफ्टवेयर में सेटिंग ऑप्शन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिलिंग इंजन जो है मैंने वो जनरल पर रखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होगा इनवॉइस क्रिएट करने का। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आप उसे डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही हमने सेल का ऑप्शन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप उसके लिए सेल ऑप्शन पर जा सकते हैं। सेल में इनवॉइसेस में न्यू इनवॉइस पर आपको जाना होता है या फिर आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें इनवॉइस टैब सिलेक्ट करना होगा, कौन सा टाइप का इनवॉइस बनाना है हमें, जीएसटी नॉन जीएसटी। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, डेट पुट कर सकते हैं आप, प्लेस ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट यहाँ से सिलेक्ट। ड्यू डेट पुट करने के लिए ऊपर पे क्रेडिट पीरियड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर टैप करके नंबर ऑफ डेज डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेगा। देन बिल टू कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैश अकाउंट अगर आप कंप्लीट पेमेंट लेने वाले हैं, वो सेटल होने वाली पेमेंट, तो आप कैश अकाउंट में बनाएंगे। एल्स अगर आप क्रेडिट में बनाते हैं, क्रेडिट में बिलिंग करना चाहते हैं, तो कस्टमर अकाउंट में बनाएंगे। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप पुट कर सकते हैं या फिर आप कस्टमर में जा करके ड्रॉप डाउन से कस्टमर का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम बिलिंग कस्टमर अकाउंट में कर रहे हैं। देन एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और बाकी डिटेल भी। देन नीचे हमें आकर आइटम ऐड करना होता है, जिसके लिए हम आइटम टैग और आइटम कोड दोनों के थ्रू सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप आइटम नेम के बॉक्स में कीवर्ड टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइटम नेम शो कर देगा। देन उसकी यूनिट शो कर रही है, क्वांटिटी शो कर रही है, सेल प्राइस आप देख सकते हैं, एमआरपी शो कर रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज एंड टैक्स परसेंटेज आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं राइट क्लिक करके इसे बिल पर। ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे बिल पर ऐड हो चुका है। नीचे से आप बाकी डिटेल फिल कर सकते हैं, लाइक टोटल क्वांटिटी शो कर रहा है, सोल्ड बाय में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड डिस्काउंट डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज में भी, अमाउंट में भी। एड रेफरेंस से आप बाकी की डिटेल ऐड कर सकते हैं, पीओ नंबर, डीएम नंबर, इंक्वायरी नंबर, ऐड शिपिंग से आप शिपिंग टैक्स लगा सकते हैं। एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए डिलीवरी टर्म्स के बॉक्स में, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना है आप मेंशन कर सकते हैं डिटेल्स। रिमार्क आप लिख सकते हैं प्राइवेट यूज़ के लिए। पेमेंट वन एंड पेमेंट टू, दो पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, पेमेंट आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपको सब टोटल एंड टोटल अमाउंट दिखा रहा है कितना हो रहा है, उस पर कितना जीएसटी लग रहा है आपके बिल पर। उसके बाद आप चाहे तो इसे यहाँ राइट साइड से सेव कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे पर ही स्क्रीन के बॉटम पर सिंबल दिया हुआ है, मल्टीपल सिंबल दिए हुए हैं, जिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का सिंबल दिया हुआ है
कि आपका होता है होल्ड करने के लिए। अगर आपका जो एक करेंट इन्वॉइस हमने बनाया है इसे मैं होल्ड करना चाहती हूँ ताकि मैं अल्टरनेटली दूसरा इन्वॉइस की बिलिंग कर सकूँ, तो मैं इस पर टैप करूँगी तो एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर टू होल्ड द करेंट ट्रांजैक्शन, तो आप उसे येस कर दीजिएगा। अब आपका करेंट जो इन्वॉइस है वो होल्ड हो चुका है, अब इसकी जगह हम दूसरा इन्वॉइस क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो मैं इन द सेम वे बाकी की डिटेल यहाँ से फिल कर लेती हूँ। सेम मैं अपने कस्टमर के डिटेल यहाँ पर पुट कर देती हूँ, जैसे कि मैं अभी कैश अकाउंट में बिलिंग कर रही हूँ। आइटम नेम मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, यूनिट क्वांटिटी यहाँ पे से आप साइज पुट कर सकते हैं, यानी इसे भी आप अपने बिल पर सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा डिटेल सेव हो चुका है, मेरे प्रोडक्ट डिटेल्स। अब मैं यहाँ से पेमेंट मैथड सेलेक्ट कर लेती हूँ, पेमेंट मोड कौन सा यूज़ करने वाले हैं, कितना अमाउंट पे करने वाले हैं, एंड द सेम भी आप इसे सेव कर सकते हैं। ये पॉपअप को आपको येस करना होता है। आप देख सकते हैं मेरा करंट इनवॉइस जो है वो सेव हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने अपने सेकंड इनवॉइस के लिए जो सेकंड क्लाइंट आए थे उनके इनवॉइस की बिलिंग कर ली, उसे सेव भी कर लिया है। अब जो हमारा प्रीवियस करंट इनवॉइस था हमें उस पर स्वैप करना है, उस पर स्विच करके उसे वापस से कंटिन्यू करना है, जिसके लिए आप फिर से सेम से सेल ऑप्शन पर आएंगे, वहाँ से आप इनवॉइस पर आ जाइएगा, न्यू इनवॉइस पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन के बॉटम पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, होल्ड इनवॉइस लिखा हुआ है, इसके बाजू पर एक सर्च आइकॉन बना हुआ है, मैं इस पर टैप करूँगी तो मुझे एग्जिस्टिंग इनवॉइस दिख जाएंगे जो होल्ड पर हैं, जिन्हें मैंने होल्ड पर रखा था। तो मैं इसे सिंपल सिंगल क्लिक करके उसे ऐड कर लूँगी कि मैंने जो होल्ड इनवॉइस किया था वो वापस से रिलीज़ हो गया है और हम उसकी वापस से बिलिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने उसे रिलीज़ कर लिया है, अब वापस से मैं उस इनवॉइस की बिलिंग कर सकती हूँ और उसे सेव कर सकती हूँ, सेव एंड प्रिंट भी कर सकती हूँ। इन द सेम वे अगर आप POS बिलिंग इंजन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली सेटिंग ऑप्शन पर जाना होगा, उसके बाद आप वहाँ पे बिलिंग में जा कर के अपना बिलिंग इंजन जो है वो चेंज करके पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से सेम इनवॉइस क्रिएट करने के लिए न्यू इनवॉइस पर जा सकते हैं। आप वहाँ पर टैप कर सकते हैं, राइट साइड पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पुट कर सकते हैं और अपना कस्टमर का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने होंगे बिल पर, जिसके लिए आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं सिलेक्ट कर। जैसे कि आप देख रहे हैं जो करंट हम इनवॉइस बना रहे हैं हम उसे होल्ड पर रखना चाहते हैं, तो मैंने उसकी डिटेल्स ऐड करी, प्रोडक्ट डिटेल्स जो कि मैं बिल पर चाहती हूँ। और वहीं आप देख सकते हैं नीचे पर होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस पर आप सिंपली टैप करके उस करंट इनवॉइस को होल्ड कर सकते हैं। इन द सेम वे आपने वो जो करंट इनवॉइस उसे होल्ड पर डाल दिया है, उसकी जगह हम दूसरा इनवॉइस क्रिएट करने वाले हैं। आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं, फिर से कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड कस्टमर का नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, देन प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप उनके लिए बिलिंग कर सकते हैं, पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं एंड पेमेंट अमाउंट आप पुट कर सकते हैं, देन आप वहाँ से उसे सेव कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने सेव कर लिया तो हमारा प्रीवियस जो इनवॉइस हम उसे रिलीज कर देते हैं, जिसके लिए अनहोल्ड का ऑप्शन दिया। देख सकते हैं हमने जो इनवॉइस बनाया था हमने उसे अनहोल्ड कर दिया है, जो हमने होल्ड स्टेट पर रखा था। अब दोबारा से आप इस पर सारी पेमेंट डिटेल्स पुट कर सकते हैं और उसके बाद इसे जनरेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से यह बिल अपना सेव कर लिया है PDF अपने सिस्टम पर। सो इस तरह से हम POS में होल्ड एंड रिज्यूम कर सकते हैं बिल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिलिंग इंजन में हम कैसे कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा थर्ड बिलिंग इंजन का, प्रोफेशनल बिलिंग इंजन के लिए, जिसके लिए आप सिंपली सेटिंग ऑप्शन पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको बिलिंग में जाना होता है, जिस पर आपको बिलिंग इंजन प्रोफेशनल करना होता है। आप ड्रॉप डाउन से प्रोफेशनल बिलिंग इंजन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद द सेम वे आपको न्यू इनवॉइस पर टैप करना होता है इनवॉइस क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले आपको सेम इनवॉइस टाइप पुट करना होता है, GST और non-GST। देन आपको इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा वहाँ पर, तो उसके बाद आप इनवॉइस डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ड्यू डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, PO ऑर्डर नंबर है तो आप वो पुट कर सकते हैं, PO ऑर्डर डेट जो होती है वो पुट कर सकते हैं, देन आप सोल्ड बैक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके स्टाफ बिल बना रहे हैं, देन सेम बिल टू कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आप पुट कर सकते हैं, कस्टमर नेम आप पुट कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, मैंने जैसे ही कस्टमर नेम पुट सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली बाकी डिटेल फिल हो जाती है। GST नंबर अगर क्लाइंट का है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, ईवे बिल नंबर यहाँ से पुट कर सकते हैं आप। नीचे आप आइटम का नेम पुट कर सकते हैं, इन द सेम वे आप सर्च कर सकते हैं आइटम नेम के बॉक्स में, देन डिटेल सब चेक कर सकते हैं, यूनिट क्वान्टिटी सेल प्राइस MRP डिस्काउंट अमाउंट, एंड देन आप उसे बिल पर ऐड कर सकते हैं। आप नीचे से और फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं परसेंटेज अमाउंट में कर सकते हैं, शिपिंग अमाउंट शिपिंग टैक्स दोनों पुट कर सकते हैं, आप जो भी पुट करना चाहें, रेफरेंस टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देन डिलीवरी टर्म्स के बॉक्स में आप फर्दर डिटेल्स पुट कर सकते हैं, रिमार्क्स अगर आप पुट करना चाहें, देन हम पेमेंट सेट कर सकते हैं, पेमेंट मोड आप सेट कर सकते हैं, पेमेंट अमाउंट आप वहाँ से पुट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं नीचे ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है होल्ड करने का, उस पर टैप करेंगे जैसे ही उस सिंबल पर वो आपका करंट इनवॉइस होल्ड पर चले गया है। अब करंट इनवॉइस होल्ड पर चले गया है तो हम सेकंड बिलिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप वैसे सारी डिटेल पुट कर लीजिए बिल पर जो हम बिल बनाना चाहते हैं उसकी, कस्टमर डिटेल सिलेक्ट कर लीजिए, बिल टू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर का नेम आप पुट कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट करना होगा, आइटम नेम के बॉक्स में आप सर्च करके आइटम नेम ऐड कर सकते हैं अपने बिल पर। उसके बाद हम जो बिल बना रहे हैं उसके लिए हम पेमेंट ऐड कर लेते हैं, पेमेंट वाला पेमेंट के मेथड दिए हुए हैं, पेमेंट मोड सेलेक्ट करके अमाउंट ऐड कर लेते हैं, देन उसे सेव कर लेते हैं, और आप चाहें तो आप उसे सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं इस करेंट बिल को। सो आप देख सकते हैं अब सेव करने के बाद हमारा प्रिंट व्यू कुछ ऐसा आने वाला है। आप चाहे तो इस इनवॉइस को PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। सो यहाँ से हम PDF पर टैप करके उसे PDF पर एक्सपोर्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हमने करंट इनवॉइस तो पर आ लिया है, अब जो हमने होल्ड पर रखा था इनवॉइस हमें उसे रिलीज़ करना है, जिसके लिए आप सिंपली फिर से न्यू इनवॉइस के ऑप्शन पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आप न्यू इनवॉइस पर आए स्क्रीन के बॉटम पर सेम वो जो इनवॉइस होल्ड करने का सिंबल दिया हुआ है उसके बाजू पर सर्च आइकॉन दिया हुआ है, हम उस पर टैप करके अपना जो होल्ड इनवॉइस है उसे रिलीज़ कर सकते हैं। उसे सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज़ हो जाएगा, उसकी डिटेल फिल हो जाएंगी इनवॉइस की सारी। अब यहाँ से आप पेमेंट डिटेल्स फिल कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रोसेस होता है किसी भी इनवॉइस को होल्ड करने का और रिलीज़ करने का, हमने आपको तीनों ही बिलिंग इंजन एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरह से आप बिलिंग इंजन स्वैप करके अपने इनवॉइसेस को होल्ड एंड रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए लेफ्ट साइड पर बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर। हैप्पी बिजनेस, हैप्पी सेलिंग।